चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और संविधान ने अधिकार दिया, लेकिन सरकारी स्कूल सरकारी विश्वविद्यालय बर्बाद करके ये फिर 50 साल पीछे बिहार के गरीबों को ले जाना चाहते। मैं बाप मताई का अकेला बेटा हूँ। मेरी माँ आज भी खेतों में रोपनी करती है, मेरी बहन आज भी खेतों में रोपनी करती है, और दूसरा के मनी बटैया खेती करने के बाद जब समय बचता है मेरे पिताजी ईंट भट्टा पर काम करने चले जाते हैं। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। अभी हम बिहार के अगियाऊ विधानसभा सीट पर हैं और हमारे साथ महागठबंधन के भाकपा माले के उम्मीदवार मनोज मंजिल जी हैं। मनोज मंजिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चलचित्र अभियान में। मनोज जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है, मुख्य रूप से क्या मुद्दे भाकपा माले की तरफ से और गठबंधन की तरफ से क्या मुद्दे आप लोग उठाने वाले हैं? विधानसभा चुनाव में नौजवानों के रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी जी ने भी वादा किया था 2 करोड़ देने का, सपना दिखाया था रोजगार नौकरी देने का, और इन्होंने अपने 6.5 साल के शासनकाल के दौरान कंपनियां बंद होने से, कल कारखाने बंद होने से, छटनी होने से 12 करोड़ लोगों की नौकरियां रोजी रोजगार मारी गई है, छीनी गई है। और एक व्यक्ति पर अगर आप 5 से जुड़ते हैं सदस्य, तो 60 करोड़ लोगों का जीवन जीना दुश्वार हो गया है। उनका पूरी परिवार तबाही के कगार पर ये ले जा करके खड़ा कर दिए हैं। बिहार में 4.25 लाख टीचर की पद खाली है, तो टीचरों की बहाली होती तो पढ़े लिखे नौजवानों की ज़िंदगी संवरती, और जो सरकारी स्कूलों में गरीब मजदूर किसानों के खेत खलिहानों के संतान पढ़ते हैं उनका भी भविष्य बनता, उन्हें भी बेहतर शिक्षा मिलती। तो बिहार में तो उद्योग धंधा कल कारखाने के नीतीश जी 15 साल के अपने राज में कभी नाम लिए नहीं, यहाँ से पलायन होते रहा, ऊपर से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन ने तो आपने देखा ही, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई कि मार्च से जुलाई के बीच में 1.99 करोड़ नौकरियाँ चली गई, साहब का वादा था 2 करोड़ देने का। मनोज जी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और बेरोजगारी एक बड़े स्तर पर यहाँ पर मुद्दा जो हम देख रहे हैं बन पा रहा है, लेकिन ठीक है, ये बात सच है कि लॉकडाउन के बाद तो बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी बिहार में भी और देश में भी पहले भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में आते आते चुनाव जाति धर्म पर ही आके सीमित हो जाता है। इस बार आपको लग रहा है कुछ फ़र्क होगा या नहीं? नौजवान सोच रहे हैं कि हमारा जाति कुछ भी हो, हमारा मजहब कुछ भी हो, हमारा जीवन हमारा भविष्य एक सरकारी नौकरी में है, एक बेहतर रोजी रोजगार में है, और इसीलिए इस पर वो सोच रहे हैं। अपने जब जीवन के बारे में सोचता है कोई आदमी, तो देखता है कि हम उसका जीवन, उसकी खुशी, उसकी पूरी खूबसूरती कहाँ है, तो रोजगार में है, एक बेहतर उसके रोजगार मिले, नौकरी मिले। इस सवाल पर इस बार अगियाओं विधानसभा के तमाम युवा, हर समाज के युवा वोट करने जा रहे हैं, और पूरे बिहार के युवा रोजगार के सवाल पर इस बार वोट करने जा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इलेक्शन आता है तो हम जाति धर्म सोचते हैं, आज जब चुनाव बीत जाता है तो फिर अपना जीवन सोचते हैं, तो जीवन सोचते हैं तो जीवन के बारे में तो रोजगार सोचते हैं, और तब सोचते हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। हम यहाँ जाति धर्म सोच लें, लेकिन जब हम पैदल हमारे भाई आ रहे थे बिहार के, तो जाति और धर्म पूछ करके लाठी नहीं बरसाई जा रही थी, मजदूर समझ करके लाठी बरसाई जा रही थी। हम जाति धर्म की बात सोच लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल बर्बाद है। किसी भी जाति का बच्चा हो, इस बच्चा का हम जाति नहीं जानते हैं, लेकिन इसका भविष्य कहाँ बनेगा? एक सरकारी स्कूल में बनेगा ना, एक बेहतर शिक्षा से बनेगी ना। आपकी भी मैं कास्ट नहीं जानता हूँ, मेरा भी शायद आप नहीं जानते हूँ, लेकिन हम दोनों नौजवानों का भविष्य कहाँ है? एक बेहतर सरकारी नौकरी में, और सरकारी नौकरी स्वतंत्र भारत की पहली हुकूमत है। लॉकडाउन की ही वजह से नहीं, जिससे ये निजीकरण कर रहे हैं जी, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, ये तमाम जो सरकारी संस्थानें थी, ये जो राष्ट्रीय संसाधन है उसका निजीकरण कर रहे हैं। आप रेलवे का ले लीजिए, बैंकों का ले लीजिए, कोल ब्लॉक का ले लीजिए, आप ये जो पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम का आप ले लीजिए, MTNL, BSNL ले लीजिए, हेल्थ तक ले लीजिए आप,
तो ये सब कुछ का जो निजीकरण कर रहे हैं तो उससे, और एक पहले व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था में कि लोग मेहनत कराते थे मजदूरों को और मजदूरी कम देते थे ताकि वो जिंदा रहे और अपने मालिकों के लिए बनिहार पैदा करते रहें। उसी तरीके से आज एक नई शोषण का व्यवस्था, श्रम का शोषण का व्यवस्था कि वे जिंदा रहे, ठेकाकरण पर नौकरी मिलेगी कुछ लोगों को और वो जिंदा रहेंगे और अपने मालिकों के लिए मजदूर पैदा करते रहेंगे। उसी के साथ साथ जब आप स्थानीय संघर्षों की अगर हम बात करें तो आरा ज़िले में और आपकी विधानसभा में कई बार यहाँ पर आपके एक प्रयोग के बारे में अक्सर बातचीत होती है बाहर, आपके नेतृत्व में एक जो सड़क पे स्कूल, कई बार उसकी बाहर बात होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, शिक्षा का जो निजीकरण है, बाजारीकरण है, उसके चलते सरकारें शिक्षा पर बजट में कटौती कर रही है। जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान कहता है कि शिक्षा की पूरी जवाबदेही स्टेट का होगा और हिंदुस्तान के हर बच्चा को राइट है पढ़ने का, और उसके शिक्षा लेने में, उसके भविष्य के निर्माण में गरीबी बाधा ना बने, पैसा बाधा ना बने, इसके लिए और भी जरूरी हो जाता है। चूँकि हमारा देश आर्थिक रूप से असमान है, आर्थिक समानता नहीं है और हमारा संविधान का भी वो निर्देश है कि स्टेट का होगा। तो ये सरकार एक बिल्कुल नीतिगत तौर पर अपनी संवैधानिक जवाबदेही से, अपनी डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को मुक्त कर रही है और शिक्षा को बाजार के हवाले करके मुनाफा का माल में तब्दील कर रही है। हम लोग आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया है कि हम लोग शाम हो रात हो हम लोग घर नहीं जाते, जनता के बीच में रहते हैं, किसानों के दलान पर, गरीबों की बस्तियों में, झोपड़ियों में, खेत खलिहानों की पगडंडियों से हम लोग चलते हैं, हम लोगों का जीवन बीतता है। खेत खलिहानों, मजदूरों, किसानों, कल कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के, प्रवासी मजदूरों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उसकी हालात क्या है, ये कहीं नया स्कूल पास करते हैं किसी दलित टोले में, किसी गरीब टोले में, तो सरकार कहते हैं कि आप ज़मीन दो। अरे भाई, जब सरकार की डेटा है कि भारत में 56% लोगों के पास अपनी आवासीय ज़मीन तक नहीं है, अगर दलित की बात करेंगे तो 90% तक नहीं है, तो भूमिहीनों से आप स्कूल के लिए ज़मीन मांग रहे हैं, लेकिन आपको अडानी के लिए ज़मीन चाहिए तो किसानों के सीने में गोली उतार देंगे, अगर आपको 4-lane 6-lane रोड चाहिए तो आप किसानों की ज़मीन छीन लोगे, आप में बिल्डिंग के बिल्डिंग तोड़वा डालोगे, लेकिन गरीबों के बच्चों की शिक्षा का बात है, भविष्य की बात है, तो सरकार ज़मीन क्यों नहीं दे सकती। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि गरीबों के बच्चों के लिए ज़मीन नहीं दोगे, स्कूल नहीं बनाओगे तो हमारे पास क्या विकल्प है, सड़क ही तो है, जहाँ सड़क पर ही हम स्कूल लगाएंगे। सड़क पर जो आपने स्कूल चलाए हैं, ये कितने स्कूल आपने ज़िले में चलाए थे और कितने बच्चे आ रहे थे उसमें? उसमें तो 800 से लेकर के 3000-4000 तक की गुलबंदी हो रही थी। उसमें केवल स्कूली बच्चे नहीं आ रहे थे, उन बच्चों के माँ भी आ रही थी, अमाएँ भी, उनके बच्चों की पिता भी, कि हमारा बेटा जब सड़क पर जा रहे अपने भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, तो मैं घर में रहकर क्या करूँ। और उसमें गाँव में जो जातियों की दीवार है, जो पार्टियों की दीवार है, शिक्षा आंदोलन में वो जातियों और पार्टियों की दीवारें टूट गई और सब लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा और रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन इंकलाबी नौजवान सभा के नेतृत्व में ये सड़क स्कूल आंदोलन में आए, जो कल तक गरीबों को बंदूकों से डराते थे, जो कल तक उन्हें वोट डालने नहीं देते थे, वही लोग गरीबों के बच्चा के साथ अपना बेटा बेटी को लेकर के सड़क पर आंदोलन। पिछला बार अकेले हम लोग चुनाव लड़े थे, उस समय भी मैं जेल में था, 32,000 वोट मिला था, 8 माह बाद मैं जेल से आया था और इस बार भी नामांकन किया, मुझे औरंगाबाद जेल में 2 बजे रात को ले जाकर के ठूंस दिया। नीतीश जी, क्या समझते हो, मनोज मंजिल के हाथों में हथकड़ियां डालकर, मुझे जेल में डालकर, गरीबों की आवाज उठाने से मनोज मंजिल को खामोश कर दोगे? भ्रम में हो,
गफलत में है नीतीश जी, भोजपुर है और भोजपुर के लोग कभी सत्ता और समंती ताकतों के बंदूकों से नहीं डरे, तो इस भोजपुर के गरीबों का ये लाल तुम्हारी जेलों से क्या डरेगा। और इसलिए मैं यहाँ भी हूँ, बाप मताई का अकेला बेटा हूँ। मेरी माँ आज भी खेतों में रोपनी करती है, मेरी बहन आज भी खेतों में रोपनी करती है, और दूसरा के मनी बटैया खेती करने के बाद जब समय बचता है मेरे पिताजी ईंट भट्टा पर काम करने चले जाते हैं। मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज में एक खास समाज के लोग पढ़ा करते थे। हमारे भारतीय संविधान ने अधिकार दिए सबको पढ़ने के लिए, लेकिन आप जब अधिकार दिया तो उसके लिए सिस्टम चाहिए, उसके लिए व्यवस्था चाहिए। और संविधान ने अधिकार दिया लेकिन सरकारी स्कूल सरकारी विश्वविद्यालय बर्बाद करके ये फिर 50 साल पीछे बिहार के गरीबों को ले जाना चाहते हैं। मनोज जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी दलितों की, दलितों की ज़मीन की, भूमिहीन दलितों की। आप खुद एक भूमिहीन दलित परिवार से आते हैं और आपका, आपकी पार्टी का, भाकपा माले का यहाँ पर एक बड़ा संघर्ष रहा है भूमि सुधार का, ज़मीन वितरण का। आज आपके हिसाब से वो मुद्दा कितना ज्वलंत है? नहीं, लैंड रिफॉर्म का मुद्दा तो आज भी है जी। और नीतीश जी ने कहा कि जो काम कांग्रेसियों ने नहीं की, जो काम लालू जी के रीजन में नहीं हुआ, वो काम हम करेंगे। बिहार में लैंड रिफॉर्म करेंगे, लैंडलेस फैमिली को मैं लैंड दूंगा। और डी बंदोपाध्याय को बुला लाए, बहुत ही प्रचार किया करोड़ों रुपये खर्च करके। उन्होंने कहा कि साहब लो, ये 21 लाख एकड़ ज़मीन है सिरिंग से फाजिन, भूदान की ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें, ये मठों के नाम पे ये सैकड़ों एकड़ ज़मीनें बिहार में हैं, 21 लाख एकड़, ये भूमिहीन गरीबों को खेती के लिए और बसने के लिए दीजिए। लेकिन यहाँ के सामंती ताकतों ने कहा कि नीतीश जी अगर ये काम करेंगे तो बिहार में खून की नदियाँ बह जाएगी। नीतीश जी पीछे हट गए। तो ये आज भी भूमि का सवाल है। आज भी सरकारी ज़मीनों पर जो गरीब लोग बसे होते हैं, ये भूमाफिया, ये दबंग ताकतें, ये फ्यूडल फोर्सेस उन्हें उजाड़ती हैं, उनकी हत्या करती है। भाकपा माले का जो यहाँ पर संघर्ष रहा है, उसके तहत आप लोगों ने कभी भी बुर्जुआ पार्टीज के साथ खास करके गठबंधन नहीं किया था, लेकिन इस बार भाकपा माले का महागठबंधन के आप हिस्सा हैं। पहली बार आप राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। क्या बदल गया है, क्यों आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई, और साथ में क्या इस पर आपको क्या लग रहा है, किस तरह का असर पड़ेगा आप लोगों के? सवाल पार्टियों के गठबंधन का नहीं है जी, सवाल है भारतीय संविधान को बचाने का, सवाल है आरक्षण को बचाने का, सवाल है इस देश के नौजवानों के रोज़गार और भविष्य को बचाने का, सवाल है कि इस देश में आप कह रहे हो आज़ादी के 73 साल बाद, क्या आप सबूत दो इस देश के नागरिक हो कि नहीं, यहाँ के नागरिकों के वजूद पर सवाल खड़ा कर रहे हो। और इस तरीके से जो बोलने की आज़ादी है, खाने पीने की आज़ादी है, उस पर आज UAPA लग रहा है, उस पर आज NSA लग रहा है। आदिवासियों की आवाज़ उठाओ, खदान खनिजों की लूट के खिलाफ बोलो, जंगलों की, नदियों पहाड़ों की रक्षा की बात उठाओ तो देशद्रोही हो जाओगे। अगर कोई यहाँ दलित उत्पीड़न की बात करेगा, अगर रोहित बंगुल्ला के सवाल पर सवाल उठाओ, अगर सहारनपुर के सवाल उठाओ तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाएगी। तो इस तरीके से आज़ादी खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, संविधान खतरे में है, मुल्क खतरे में है, रोज़गार शिक्षा, ये जो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार हमारे खतरे में है। ये धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं। आपने देखा SC ST एट्रोसिटीज एक्ट पर भी हमला हुआ था। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद दलितों का बगावत हुआ और लोगों का, इंसाफ पसंद लोगों का समर्थन मिला, उनको पीछे हटना पड़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी है कि अगर मजदूरों को संगठन बनाने का अधिकार, मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया जाए तो मजदूर गुलाम बन जाएंगे। तो इस तरीके से पार्टियों की एकता से बड़ा सवाल है ये सब सवाल। और इसीलिए इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये माले राजद का गठबंधन बना है। लोग बोल रहे हैं यहाँ कि भाई हम सबका जो है दुख एक है, सपना भी एक है और हम सबका दुश्मन भी एक है, और इसीलिए ये रणभूमि में हम एक हुए। मनोज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जिंदाबाद।
हाँ।